आपां रल मिल के सारियां संगतां गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच विचार कर रहे हैं। कल आप जी ने सरवण किया सी कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौरगढ़ी तो निकल के चलते चलते बिखड़े पैड़े विच दी बिखड़े पेंड्या विच दी और अपने औखे समय नूं बिताउंदे होए कंड्या विच दी और उस समय दी जो सर्दी सी सब तो ठंडी पोह दी रात जिहड़ी सी ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਠੰਡ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ ਜਲ ਛੱਕ ਕੇ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਟਿੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विराजमान हो गए और आराम करना शुरू कर दिया। सुबह जब बहुत फटी तो बाद भाई गुलाबा आया उसने देखा कि कौन कोई रूह बहुत सुंदर प्यार वाली रूह जी है वो विराजमान है और विचार करता है कि ये हो सकता है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर वाले इन्हे नूं होर संगतां आ गईआं नबी खान गणी खान भी आ गया और जो तीन प्यारे गुरु साहब तो नाल चले सी वह भी गुरु साहब के कोल पहुँच गए और दर्शदारे कीते है पर हाले सारे चुप है कोई बोल नहीं रहा इशारियां नाल गल हो रहा तां कि गुरु साहब जिहड़े है वह सुते जाग ना पैण पर जदों गुरु साहब ने कोई थोड़ी जी आहट सुनी तो गुरु साहब जी जागृत अवस्था के हो गए है उठ के बैठ गए है सामने देखिया तो भाई दया सिंह भी विराजमान सी। दया सिंह ने सतगुरां नूं नमस्कार की दूसरिया संगतां ने भी नमस्कार की और संगतां विचार कर दिया है जो ये विचार कर दिया ने कि कौन है जो सुते पए से गुरु साहब उदो विचार कर दिया है तो भाई दया सिंह भी ये गल सुन रहा है संगतां विचार कर रही भी कौन है तो भाई संग दया सिंह ने जदों गुरु साहब जाग पए तो फिर संगतां नूं दस्या कि भाई ये दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खालसे दे साजन हारे ये गुरु गोबिंद सिंह जी पर संगतां हैरान है कि आनंदपुर के ऐशो आराम दे विच रहण वाले आनंदपुर दीआं सहूलतां दे विच रहण वाले आनंदपुर दे किले दे विच राज दे राजिआं दे समान रहण वाले गुरु साहिब अज किस हालात दे विच है उहनां दा जामा पाटिआ होइआ है उहनां दे पैरां दे विच छाले हो गए चल चल के और हालात जो है वो बहुत दुखदाई है देखिआ नहीं जांदा रोणा आउंदा है। भाई दया सिंह जी एक संगतां नूं यह विचार दसदे आ भाई गुरु साहब नाल की वरत्या और किवें गुरु साहब इत्थे पहुंचे है एक कविता आप जी नूं सरवण करवाउण लग्या कोई तख्त नहीं कोई ताज नहीं कोई बैठा हथ ते बाज नहीं ये उही गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हां दे हाथ ते बाज बैठा होया सी जिहड़े तख्त दे उत्ते विराजमान हुंदे सी जिन्हां दे उत्ते कलगी सजिया करदी सी छवायमान हुंदी सी कलगी उहनां दे ताज दे उत्ते ये उही गुरु गोबिंद सिंह जी है। कोई तख्त नहीं कोई ताज नहीं कोई बैठा हथ ते बाज नहीं कंडिया ते आके सौंगे आए सिर टिंड सराणा लाया मेरा माही संत सिपाही मेरा माही कलगियां वाला च
पश्चिम कोरों चल के आया मेरा माही संत सिपाही माछीवाड़े आया, माछीवाड़े आया। ए टुरदा टुरदा आया ए, अज इन्हां दे कोल कोई घोड़ा नहीं सी, पैदल तुर के आए हैं भाई सारे संगतां नूं, संगत जो उत्थे विराजमान सी ना गुरु साहब दे कोले उन्हां नूं ये समझा रहे हैं। ए टुरदा टुरदा आया ए, जप बैरियां खूब सताया ए, गल जामा लीरो लीर होया, मुख जमके नूर सवाया मेरा माही, मेरा माही, मेरा माही कलगियां वाला, मेरा माही कलगियां वाला, चमकौरों चल के आया मेरा माही, मेरा माही। अगे भाई दया सिंह जी संगतां नूं बख्शिश करते हैं, दसते हैं किवें की हाल वरत्या गुरु साहब के नाल, किवें इत्थे पहुँचना होया माछीवाड़े दे विच। कुल करजा कुछ करजा सिर तों लाया ए, पुत जोड़ा शहीद कराया ए, कुछ करजा सिर तों लाया ए, पुत जोड़ा शहीद कराया ए, इस रखी लाज है सिखी दी, इस रखी लाज है सिखी दी, रब दा शुक्र मनाया मेरा माही, मेरा माही, मेरा माही कलगियां वाला, मेरा माही कलगियां वाला, चमकौरों चल के आया, चमकौरों चल के आया। आ गया पता नहीं हाले तक किहड़ा सफर किन्ना करना पैना, किन्ना तय करना पैना है, किहड़े सफर ते चलणगे इन्हां दा कोई पता नहीं। ए राही लंबे सफरां दा ए सच वपारी वखरां दा, ए राही लंबे सफरां दा ए सच वपारी वखरां दा, इस सच दा सौदा कीता ए, इस सच दा सौदा कीता ए, आनंदपुरी छड़ आया मेरा माही, मेरा माही, मेरा माही कलगियां वाला, मेरा माही कलगियां वाला, चमकौरों चल के आया मेरा माही, मेरा माही, मेरा माही संत सिपाही, मेरा माही संत सिपाही, माछीवाड़े आया, माछीवाड़े आया। सवा लख नाल एक लड़ाया सी, सवा लख नाल एक लड़ाया सी, दया सिंह ने सच फरमाया सी, दया सिंह ने सच फरमाया सी, ए वाली दो जहाना दा, ए वाली दो जहाना दा, सिखी पूर्वे महल बनाया, सिखी पूर्वे महल बनाया, मेरा माही, मेरा माही, मेरा माही संत सिपाही, मेरा माही संत सिपाही, चमकौरों चल के आया, चमकौरों चल के आया, मेरा माही, मेरा माही। अखीर दा बंदा विच बीजा नगर सुहाया ए, बीजा नगर कौन, ओ माछीवाड़े दी धरती जिते विजय आ के विजय प्राप्त की उसनों विजयनगर कहा, यह साडा विजयनगर भी वैसे ना यही पाया मैं अपने विजयनगर का। विच विजयनगर सुहाया है डेरा माछीवाड़े लाया है,
मेरा माही वासी सचखंड दा, मेरा माही वासी सचखंड दा है धर्म उबारने आया। मेरा माही कलगियां वाला, मेरा माही कलगियां वाला चमकौरों चल के आया। मेरा माही संत सिपाही, मेरा माही संत सिपाही माछीवाड़े आया। तो सत्संग जी, ये भाई दया सिंह ने संगतां नाल गलबात की है। सारिया संगतां बड़िया दुखी हिरदे दे नाल सतगुरां दी शरण दे विच बैठिया, बड़ा सत्कार कर रही संगतां दा, गुरु सतगुरां दा। और संगतां बड़े आश्चर्य दे विच है कि इन्नियां महिला दे विच रहन वाला, तख्त दे विच रहन वाला सहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अज इस हालात दे विच है। बड़ा मन दुखदा है। भाई दया सिंह का भी मन दर्द किया, पुछया सच्चे पातशाह की हाल है तुहाडा। सतगुरु कहन लगे, दया सिंह मेरा हाल ठीक है, गुरु की कृपा है, चढ़दियां कलां दे विच है, सदा गुरु अंग संग है। सच्चे पातशाह सानू बड़ा फिक्र हो गया है, कोई गल नहीं, फिक्र करन दी लोड़ नहीं, गुरु अपने अंग संग है, सदा सहाई है। तो सतसंग जी, इस तरह के नाल माछीवाड़े दे विच जदों विराजमान होए ना, उन्हां जंगलां दे विच गुरु साहिब दी सुरती जिहड़ी है उस संसार वालों टुट के परमात्मा नाल जुड़ गई है। और परमात्मा नाल की जुड़ी है कि ऐसी जुड़ी है, एक कविता आई है गुरु साहब दे, और गुरु साहब ने उच्चारण की है और गुरु साहब बख्शिश करते हैं उस कविता नूं। वो उच्चारण जिहड़ा गुरु साहब ने अपनी कलम तो किया है, और गुरु साहब विचार करते हैं सच्चे पातशाह नाल, सच्चे पातशाह मेरा हाल ठीक है। दया सिंह नूं यही गल कहिंदे आ, दया सिंह जिन्ना चिर गुरु की कृपा है, जिन्ना चिर गुरु साढ़े अंग संग है, उन्ना चिर सानू कोई फिक्र नहीं है। साडा हाल उस मित्र प्यारे नूं पता है सारा। और गुरु साहब एक शब्द उच्चारण करते हैं जिहड़ा कि सहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी गुरबाणी उच्चारण है, की बख्शिश करते हैं। मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। वो अपने वाहिगुरु नाल, परम पिता परमात्मा नाल गलबात कर रहे हैं और अपना हाल परम पिता परमात्मा नूं कह रहे हैं। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे महाराज परमात्मा नाल सुरती जुड़ी हुई है और परमात्मा नाल गल कर रहे, विचार कर रहे, की कर रहे। तुद बिन, हे परम पिता परमात्मा, तेरे बिना जिहड़ा है ना इस मनुख नूं, इस संसार नूं, इस जीव नूं रोग रजाइयां दा उड़न, असीं सर्दियां दे विच रजाइयां रोड़ रोड़ के पैंदे हां ना,
ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਓਟਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਜਾਈਆਂ ਓੜ ਓੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾਗ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਕੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ। ਅਮੂਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਾਹੀ, ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਦ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ, ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖੰਜਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਇਹ ਖੰਜਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਉਸਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ਾ ਆਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਰੋਗਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰਡੇ ਦਾ ਜੇ ਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ, ਪੱਠ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਡਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਤੋਂ ਪੱਠੀ ਭੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
परमात्मा की खुशी तो बिना परमात्मा की रहमत तो बिना जिहड़ा ना साडा जीवन जे खेड़िया वाला भी है खुशियां वाला भी है तो गुरु साहब कहिंदे है वह सानू मंजूर नहीं पट खेड़िया दा रहना खुशियां दे विच रहना जिहड़ा वह पट के बराबर है। हुण गुरु साहब ये बख्शिश करते हैं यार रे दा सानू सत्र चंगा पठ खेड़ियां दा रहना पठ खेड़ियां दा रहना मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नूं हाल मुरी कहना। तो सत्संग जी इस शब्द दे विच गुरु साहब ने सानू यह समझाया कि गुरमुख प्यारे हो जे परमात्मा की खुशी तुहानू मिल जाए तो जे कोई दुख भी आता है तो वह भी सानू हस के चलना चाहिए हमेशा चढ़दियां कलां दे विच रहना चाहिए और गुरु साहब की शरण दे विच गुरु की रहत दे विच गुरु की मर्यादा दे विच परमात्मा गुरु परपिता परमात्मा पात्रों परमेश्वर के धर्म दे विच रहना वो साडे लई सुखदाई है चाहे वह दुख भी होवे ते सानू सुख है चाहे टोट भी होवे चाहे कमियां भी होन चाहे किसी भी तरीके का जीवन जिहड़ा है दुखी मिस्सी खा के भुखिया भी जो जीवन टपाउणा पवे ते इह सानू मंजूर है। वाहिगुरू 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 सत्संग जी वाहिगुरू सानू गुरु साहब ने एक बख्शिश की है खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास। वाहिगुरु वाहिगुरु बेटा गल्लां इत्थे जे करनियां तां बाहर कर लो। वाहिगुरु 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 गुरु साहब बख्शिश करते हैं जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ भाई जे परमात्मा के चरणों के परमात्मा के प्रेम के बैठना है ना तो अपना आप गुरु को सौंप के अपना आप भाव अपना सब कुछ मन भी तन भी सिर भी जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै सिर दी जै कान न की जै। तो सतगुरु ने जदों पंज प्यारियां नूं अमृत छकाया सी ना उदों यही कहा सी कि भाई जे तुसी परमात्मा दे मार्ग ते चलना है जे तुसी परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो भाई प्रेम परमात्मा नाल करना है तो की करना है अपने सिर नूं तली दे उत्ते रख के भाव सिर पहला मतलब कट के पहले मरण कबूल पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सकल की रेणका तो आओ हमारे पास। तो सत्संग जी इस तरह के नाल गुरु साहब ने सानू समझाया भाई जब लग खालसा रहे नियारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब एक है विपरण की रीत मैं न करूं इनकी परीत। यह सारिया विचारा जड़िया गुरु साहब ने इस शब्द के विच सिरा कढ़ के दे दिता है मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना यानी सानू कोई भी लोड़ है ना
कोई भी जरूरत है, कोई भी तंगी है, कोई भी कष्ट है, तो बेनती किनू करनी है? सिर्फ तो सिर्फ परमपिता परमात्मा, परमात्मा की शरण के रह के परमात्मा नाल प्यार करना है। और परमात्मा का सूर गुरु साहब ने सानू पंचम पातशाह जी ने और दसवें गुरु ने सानू नंदेड़ साहब के साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी के गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नू बख्श के बख्शिश की। आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैले। ये गुरु साहब ने सानू इस वास्ते बख्शिश की है भाई, ये गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा ना, जो असी इसकी हजूरी दे विच आके बैठते हैं तो कई बार असी अपनियां गल्लां ही करते रह जाते, गुरु की गल नहीं सुनते, गुरु का सत्कार नहीं करते, गुरु की मर्यादा जी उस भुल जाने असी तो अपनियां गल्लां करते रह जाने। गुरु जिहड़ा है ना, आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। गुरु साहिबान, दस गुरु साहिबान की प्रगट दे है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। और इतों तिकर के पार ब्रह्म परमेशर जिहड़ा है, सारी सृष्टि का करता है, वह भी जोत स्वरूप जिहड़ा है परम पिता परमात्मा, शब्द स्वरूप जिहड़ा है वह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हाजिर है। जे कोई प्रेम वाली रूह प्रेम करके शरणागत हो के भावना रख के सुरती जोड़ के जो गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करती है, भाव गुरु की बाणी को पढ़ती है, उदों वो परम पिता परमात्मा के साक्षात दस्तारे हो जाते हैं। साध संगत जी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। ये गुरु साहिबा ने सानू संसार दे विच जीवन जिउण दीआं जाचां दसियां होईआं, मर्यादा दसी हुई है, गुरु साहब ने सानू एक जोत दसी हुई है। और गुरु साहब ने कहा है, पेस नहीं प्यारा मैनू, सिख नहीं प्यारा, सिख गुरु साहब की शरण आके तो बैठा गल्ला करी रखे तो गुरु साहब की वग्या, सिख की प्यारा है? रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब, मैं उसका चेरा। तो साहब जी इस तरह के नाल गुरु साहब ने सानू बहुत सिद्धांत दसे है, गुरु साहब ने बहुत सानू मर्यादावान दसिया हुई, गुरु साहब ने आप भी नवाइया निभाइया उन्होंने मर्यादावान, और परमात्मा की शरण के रह के परमात्मा नाल प्यार करते हुए अज गुरु साहब भावें सारा परिवार जिहड़ा है वह दोनों साहबजादे जिहड़े है शहीद हो गए, बाकी सारा परिवार जिहड़ा है खेरू खेरू हो गया है, कोई किधर नूं चला गया, कोई किधर नूं चला गया, पर गुरु साहब फिर अपनी परमात्मा की रंगत के चढ़ती कला के हमेशा चढ़ती कला के। और गुरु साहब ने सानू यही समझाया भाई, गुरु की शरण के रह के हमेशा चढ़ती कला के रहो। ये महीना जिहड़ा है खास करके सिख कदे भी अपने जीवन डोले ना की बेनती करे, सच्चे पातशाह बेनती करे की करे, डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। सात संगत जी, वाहगुरु जोत चैनल नू सबसक्राइब करो, सेंड करो, लाइक करो एंड सेव करो। आप